ईएसआर जांच जो है बहुत पुराना जांच है। इसमें देखिए ईएसआर दो विधि से जांच किया जाता है। ईएसआर किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन यह बहुत सारे बीमारियों के बारे में हमको आगाह कर देता है। कैंसर तक का पता ईएसआर से लग सकता है, ट्यूबरक्लोसिस का पता ईएसआर से लग सकता है, गठिया का पता ईएसआर से लग सकता है। आगे हम बताएंगे किस किस चीज़ का पता लग सकता है। ईएसआर में क्या दिखाता है, ईएसआर का पूरा नाम इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट है। इरिथ्रोसाइड मतलब आरबीसी। हमारे ब्लड में तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है वह हेल्दी सेल है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और आरबीसी जनरली वह टूट के जमीन के नीचे नहीं बैठता है। सेडिमेंटेशन मतलब कि वह सेडिमेंट नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। ये सारे एक कम लागत का टेस्ट है, जिसका सामान का दाम भी ज़्यादा नहीं है, और आपको एक घंटा एब्जॉर्ब करना पड़ता है। एक घंटा हम लोग एक ट्यूब डालते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये सर का सेडिमेंटेशन रेट कितना है। हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे इसके लिए। आगे सबसे पहले हम जान लेंगे कि अभी जो ई एस आर जाँच होता है वह दो मेथड से होता है। एक होता है वेस्टर्जन मेथड और एक होता है विंड्रॉप्स मेथड। क्या विंड्रॉप्स मेथड और वेस्टर्जन मेथड। विंड्रॉप्स मेथड जो होता है वह पहले होता था, पहले समझ लीजिए, विंड्रॉप्स फ्लेबोटोमी के लड़के और एमएलटी के लड़के खास करके सुन लेंगे। विंड्रॉप्स मेथड जो था वह पहले होता था, अभी जो होता है वह वेस्टर्जन कल्चर होता है ना, वैसे वेस्टर्जन मेथड होता है। तो इसमें अंतर यही था कि विंड्रॉप्स मेथड जो था तो ऐसा एक बॉक्स होता था, मैंने तो हीमोग्लोबिन वाला बॉक्स है, वो अभी मेरे पास नहीं है, पुराना है। तो एक ऐसे सिंपल बॉक्स होता था, उसमें एक ट्यूब होता था, जैसे पीसीबी ट्यूब वगैरह टाइप का होता था। उसमें मार्किंग क्या होता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, और उसमें हम लोग EDTA लगा कर और उसको हम लोग एक घंटा छोड़ देते थे और देखते थे कि एक घंटा में कितना कितना क्या EDTA एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को क्या होता है कि जमने नहीं देता है। तो अभी हम लोग बता रहे थे विंड्रॉप्स मेथड के बारे में। पुराना मेथड है, अभी यूज नहीं होता है, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसमें हम लोग क्या करते थे, एक विंड्रॉप्स बॉक्स होता था और उसमें एक पीसीबी ट्यूब होता था, जिसमें विंड्रॉप्स ट्यूब भी बोलते थे, जिसमें मार्किंग होता था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें ओपनिंग जो होता था, सबसे बड़ा समझने वाला चीज़ है कि इसमें एक ओपनिंग होता था जो डालने के लिए होता था, नीचे ओपनिंग नहीं होता था। अभी जो हम लोग वेस्टर्जन मेथड से करते हैं, इसमें दोनों साइड ओपनिंग होता है, और यह ट्यूब जो होता है यह 200 तक मार्किंग होता है। कितना होता है, 200 तक। इसमें मार्किंग रहता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, नीचे 200 तक रहता है। तो यह चीज़ आप समझ लीजिए, जो वेस्टर्जन में 200 मार्किंग होता है, विंड्रॉप्स में 10 तक मार्किंग होता है, और यह एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जिसमें वन साइड ओपनिंग होता है, और वेस्टर्जन में क्या होता है कि दोनों साइड ओपनिंग होता है। दूसरा क्या है कि विंड्रॉप्स मेथड में हम लोग EDTA लगाकर उसको सेडिमेंट करते हैं, और वेस्टर्जन में 3.8% सोडियम सिट्रेट लगाकर उसको टेस्ट के लिए डालते हैं। केमिकल का नाम है, इसमें केमिकल क्या लगेगा EDTA, इसमें लगेगा 3.8% सोडियम सिट्रेट। तो अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे वेस्टर्जन मेथड के विषय में, क्योंकि वेस्टर्जन मेथड ही अभी सारे लैब में यूज होते हैं। विंड्रॉप्स मेथड को केवल हम लोग को जानना है कि हमारे दादा परदादा का नाम क्या था, इतना तो जानना पड़ेगा ना भाई। आज हमारा खानदान का क्या है वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा पुराना भी बात याद रखना पड़ेगा। तो इसी तरह ईएसआर टेस्ट में जो है पुराना जो पद्धति है विंड्रॉप्स मेथड है उसको हम लोग समझेंगे। इसमें EDTA में लगाकर इसको एक घंटा रख दिया जाता था, और एक घंटा बाद रीडिंग देखा जाता है कि एक पॉइंट गिरा कि दो पॉइंट गिरा कि पाँच पॉइंट गिरा कि दस पॉइंट गिरा। नॉर्मल वैल्यू से कितना होता था, 0 से 10। तो ये सब हम लोग करते थे, लेकिन आज जो हम लोग करते हैं वह वेस्टर्जन मेथड से करते हैं। वेस्टर्जन मेथड में क्या होगा कि ईएसआर स्टैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं वेस्टर्जन मेथड के द्वारा ईएसआर करना, जो अभी आज चलता है। ईएसआर स्टैंड होता है, इसको बोलते हैं ईएसआर स्टैंड, इसको बोलते हैं ईएसआर ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे, ईएसआर ट्यूब। जब हम लैब में काम करेंगे तो ईएसआर ट्यूब को जो चाहे जो भी ये सब ग्लास का बना रहता है, इसको हैंडलिंग बढ़िया से करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पे काम करने को मिलेगा जहाँ पे क्या है कि सामान हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। पैसा पॉकेट में रहेगा लेकिन वह सामान यहाँ नहीं मिलेगा, डेली इसको तोड़ेंगे तो कहाँ से होगा। तो हमको पूरा हैंडल करना है, पहले हमको ग्लव्स पहनना है, और पूरा इसका जो ऑपरेशन कैसे चेक करेंगे हम बताएंगे।
पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ESR ट्यूब बोलेंगे या फिर वेस्टर्जन ट्यूब बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? वेस्टर्जन मेथड है तो एस्टर्जन ट्यूब हो गया, ESR स्टैंड हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं इसमें टू साइड ओपनिंग है, तो जिधर जीरो ओपनिंग है वह ऊपर रहेगा और नीचे का है 200 ओपनिंग है, क्या लिखा है 200, यह नीचे रहेगा। तो इसमें हम लोग ऊपर से ओपनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें रहता है 0, 10, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, 70, 100। अब जितना बड़ा बीमारी होगा उतना ज़्यादा ESR का सेडिमेंटेशन होगा। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या हो गया? 0 से 10 मेल में, 0 से 20 फीमेल में। फीमेल में क्यों 20 होता है? क्योंकि फीमेल को हर महीना मेंस्ट्रुएशन होता है और कुछ हार्मोनल कारण है जिसके चलते उसका RBC में सेडिमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल किसी का 20 तक आ रहा है तो यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं है, RBC से रिलेटेड ब्लड डिसऑर्डर कोई नहीं है। लेकिन जब 20 से नीचे आएगा तो बीमारी है। जनरली कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस के स्टेज में ESR सेडिमेंटेशन रेट 140-150 तक आता है। अब किसी पेशेंट का हम लोग जाँच किए और उसका ESR सेडिमेंटेशन रेट आ गया 150, 120, 100, यानी कि कोई ना कोई बड़ा इन्फेक्शन उसके शरीर में पल रहा है। आँख बड़का बड़का करके देख रहा है, नील लग रहा है, हाँ घोप देंगे। सुने इधर, तो कहने का मतलब है कि जितना ESR का सेडिमेंटेशन नीचे आएगा उतना समझेंगे कोई ना कोई बड़का इन्फेक्शन है। छोटा और छोटा मोटा में तो 10, 20, 30 होगा इन्फेक्शन में। ट्यूबरकुलोसिस में ज़्यादा गढ़ता है, गठिया क्रोनिक बीमारी गठिया में, अस्थमा वाले पेशेंट में या कैंसर वाले पेशेंट में ज़्यादा सेटल डाउन होता है। जितना भी ट्यूबरकुलोसिस का मरीज आएगा, पहले TB का उतना जांच नहीं था तो लोग एक्सरे का रिपोर्ट और ESR का रिपोर्ट देख के TB का दवाई लिख देता था। जिसका 100 और 120 से नीचे आया उसको मैंने 90% अगर सिम्टम मिल रहा है और अगर उसके एक्सरे में पैचेज है तो यानी कि उसको TB हो सकता है। तो यह सब चीज़ होता था। तो अब हम लोग ESR स्टैंड के विषय में समझ लिए, ESR ट्यूब के विषय में समझ लिए। अब हमको सामान देखेंगे क्या क्या जांच के लिए चाहिए। बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे मानते हैं कि एक वाइट कलर का लिक्विड होता है, जैसे मान लिया या 3.8% सोडियम सिट्रेट होता है, क्या नाम है इसका 3.8, जैसे हीमोग्लोबिन के लिए N/10 HCl है। तो ESR जांच के लिए केमिकल आता है उसका नाम है 3.8% सोडियम सिट्रेट। वह क्या है? एंटीकोगुलेंट है। वह क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है। ब्लड नहीं जमेगा तभी ना सेडिमेंट होगा। ब्लड का तो नेचर RBC का, जब हम एटमोस्फियर में रखेंगे तो वह क्लॉट हो जाएगा क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर है प्लेटलेट्स में। तो यह क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है और एक नेचुरल इसको हिलने वाला जगह पर नहीं रखेंगे, टेढ़ा जगह पर नहीं रखेंगे, समतल जगह पर एक जगह पर अस्थिर इसको रख देंगे। जब हम कितना कैसे करके रखेंगे हम बता रहे हैं, और इसको हम लोग अलार्म लगा देंगे स्टॉप वॉच में 1 घंटा बाद रीडिंग लेंगे। अब देखिए हम लोग ये प्रोसेस बाई प्रोसेस बढ़ते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए? ESR स्टैंड चाहिए, ESR ट्यूब चाहिए, केमिकल में क्या चाहिए 3.8% सोडियम सिट्रेट चाहिए, डिस्पोजल सिरिंज चाहिए। आप लोग सुन सुन के वीडियो लिख लीजिएगा, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज चाहिए, एस्पिरेटेड स्वाब चाहिए, वैक्यूनेटर चाहिए, वैक्यूनेटर मैंने भायल चाहिए। अब हमको डिस्पोजल सिरिंज चाहिए और पीपेटिंग करने के लिए चाहिए। तो अब देखिए क्या करना है, माइक्रो पीपेट भी ले सकते हैं, 100 माइक्रो या ये सब से रिलेटेड ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को, जब हमको ESR कलेक्शन लेना है, पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, चेयर पर बैठा देंगे और हमको वेनस ब्लड कलेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हमको ESR में जो ब्लड चाहिए वो हमको कितना चाहिए, हमको यहाँ 200 से 0 मार्किंग तक चाहिए। तो इसमें ब्लड का कैसे मिक्सिंग करना है, यह चीज़ बढ़िया समझ लीजिए कि इसमें 1/4 का रेशियो होता है, 1/4 का रेशियो होता है। मानते हैं कि अगर हमारा 4 है ब्लड तो उसका 1 भाग हमको 3.8% सोडियम सिट्रेट लेना है। जैसे मानते हैं सपोज डैट यदि हमको 1.6 ml ब्लड लेते हैं, 1.6 ml ब्लड लेते हैं तो उसका 1 भाग कितना हुआ 0.4 ml, 3.8% सोडियम सिट्रेट लेंगे तो हम लोग उसको मिला देंगे लेके। बात समझ में आ रहा है स्पष्ट? जैसे मानते हैं कि किसी को 2 ml ब्लड लिए
किसी मरीज का, तो उसमें कितना सोडियम सिट्रेट मिलाएंगे, 0.5 ml, माने जितना ब्लड लेंगे उससे 1/4 उसका लेंगे। जैसे 100 रुपया हम लिए ना, तो 25 रुपया हम इससे लेंगे केमिकलवा से, 100 रुपया आदमी का जिसका चेक करना है उसका लेंगे, 25 रुपया केमिकल लेंगे, 1/4 का रेशियो रहेगा, समझ लीजिए। हमको इतना ब्लड लेना है कि हमको इतना तक ज्यादा ब्लड चाहिए, इसमें हिमोग्लोबिन थोड़ा सा ब्लड नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा ज्यादा ब्लड लेते हैं कि कभी गिर उड़ जाए, कभी मतलब किसी कारण से अगर रीडिंग अच्छा नहीं हो, कुछ अगर डिफेक्ट हो, तो दोबारा भी हम उसको ले सकते हैं। तो हमको जैसे मेडिकल में क्या नियम है कि मैंने ये सर्कल है कि 1.6 ml ब्लड लीजिए, 0.4 ml 3.8% सोडियम सिट्रेट लीजिए, तो दोनों मिला के 2 ml हो गया। अब हम लोग पेशेंट को बैठा देंगे, बोलेंगे कि आपको ये सर का ब्लड लेना है, उसका वेनस ब्लड कलेक्शन टर्निकेट बांध के स्पीड स्वाप से उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंट्रल टू पेरिफेरी करके उसको हम लोग ब्लड कलेक्ट कर लेंगे। ब्लड कलेक्ट करने के बाद हम लोग 3.8% सोडियम सिट्रेट मानते हैं, 1.6 ml ब्लड लिए, अगर ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा लिए तो उसको कॉटन में उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और 0.4 ml हम क्या लेंगे, आपको 3.8% सोडियम लेंगे, और एक भायल में रख के दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों को मिला देना है, और मिलाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, और मरीज क्या उस पर लेबल कर लेंगे। जैसे मानते हैं 5 नंबर का मरीज है, सीरियल नंबर, तो 5 नंबर सीरियल नंबर उस पर लिख देंगे, और जो यहाँ पे हम स्टैंड पे लगाएंगे वहाँ पे भी उस मरीज का लेबल नंबर को स्टिकर साट देंगे, 5 नंबर। मानते हैं 5 को मरीज क्या कर रहे हैं, तो कैसे मालूम चलेगा किस मरीज का क्या है, तो जो लेबल कर रहे हैं वहाँ 5 नंबर लिख देंगे। अब इसको हम लोग ESR स्टैंड में से ESR ट्यूब निकालेंगे, इसमें पहले से हुआ है तो इसको स्टरलाइज करके हम यूज करेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमको माउथ पिपेटिंग भी किया, माउथ से भी खींचता है लोग, और एक ट्यूब आता है उससे भी, हम बताएंगे उसको सीखना इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो ब्लड हम लोग मिक्स करके रखे हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे, 0 तक लाएंगे, 0 से ना ज़्यादा होना चाहिए और ना 0 से कम। ब्लड लाने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, उंगली लगा के दाबना है। उंगली लगा के दाबना इसलिए है कि छोड़ेंगे तो फिर ब्लड वहाँ नीचे गिर जाएगा। तो जब हम ट्यूब में जब ब्लड लेके 0 तक ब्लड ले लेंगे, तो यहाँ पे दाब कर उसके बाद हम लोग जो कॉटन से जितना एक्स्ट्रा ब्लड है उसको सक करके उसको डस्टबिन में डाल देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दाब कर रख लेंगे, जब ये हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, और इसको 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। स्टॉप वॉच में अलार्म लगा लेंगे कि हमको 6 नंबर यहाँ पे नंबर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कि कितना नंबर का कलेक्शन कब देखना है। उस समय में जो रिपोर्ट आएगा, जैसे मानते हैं ब्लड गिरा हुआ इतना, 40 गिरा, 10 गिरा, 20 गिरा, 50 गिरा, वहीं हमका रीडिंग होगा। यानी कि इसका हम लोग रीडिंग कैसे देंगे, जैसे 20 गिरा तो 20 mm/h, इसका रीडिंग कैसे देते हैं, mm/h, 100 गिरा तो 100 mm/h, 200 गिरा तो इसको 2 घंटा का भी रीडिंग लेते हैं। कैसे कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर बोलेगा कि 2 आवर्स रीडिंग, तो देखेंगे फर्स्ट आवर में कितना रीडिंग आया और सेकेंड आवर में कितना रीडिंग आया, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का भी फॉर्मूला हम बता देंगे। तो अब आपने समझ लिया कि ESR कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा टेस्ट है। ESR टेस्ट के लिए हमको ESR स्टैंड चाहिए, ESR टेस्ट ट्यूब चाहिए, 3.8% सोडियम सिट्रेट चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड 1.4 के रेशियो में होना चाहिए, 3.8% सोडियम सिट्रेट जो होता है उसके 1/4 में होना चाहिए। जैसे मानते हैं 1.6 ml ब्लड लिए तो 0.4 ml हम लोग क्या करेंगे, 3.8% सोडियम सिट्रेट लेंगे, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में दोनों को रख के आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे ट्यूब से उसको ब्लड कलेक्ट करेंगे, 0 मार्क तक लेंगे। 0 मार्क तक लेने के बाद उसमें बीच में ईयर नहीं होना चाहिए, ईयर बबुल नहीं होना चाहिए, और उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर ये सारे स्टैंड पे सेटल कर देंगे, नंबर लिख लेंगे, टाइमर लगा देंगे, 1 घंटा बाद रीडिंग लेकर रिपोर्ट दे देंगे, वहीं ये सर का रिपोर्ट होगा स्वाहा। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ESR इतना समझ के कैसे चेक करेंगे, ESR किस किस मरीज का चेक कराया जाएगा, ये तो नहीं समझे, अभी भी जान लीजिए, क्योंकि आपको जानना भी जरूरी है। जो ब्राह्मण ब्याह करा लो तो श्राद्ध करा लो, इस तरह हम जब टेस्ट करेंगे तो हमको बीमारी के बारे में भी जानना जरूरी है ना, कि किस किस बीमारी में जांच के कोई पूछ दे तो हमको, हमारे पढ़ाई में है, क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है। तो मार्किंग समझ लीजिए, 0 से क्या मार्किंग होता है, आप किस किस बीमारी में हम लोग ESR का टेस्ट कराएंगे, या आप लोग समझ लीजिए कि ESR को। और देखिए क्या क्या ESR का जो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब कुछ ऐसा फिजियोलॉजी, मतलब कि जो नेचुरल है, कौन कौन इफेक्ट करता है। जैसे मानते हैं प्लाज्मा फैक्टर, किसी का एज है, एज के अनुसार भी ESR का वैल्यू डिपेंड करता है। जैसे कोई माँ दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग है, मेंसुरेशन पीरियड में थोड़ा ESR दिखा ज़्यादा दिखाएगा, थोड़ा ओल्ड एजेस में RBC थोड़ा सा कम रहता है उस समय दिखाई देगा, प्रेगनेंसी के समय में। और उसके बाद मानते हैं कि किसी को बुखार लगा हुआ है, एंटीकोगुलेंट कोई दवा ले रहा है, वाइब्रेटर है, कहीं वाइब्रेट हो रहा है, तो उसमें हमको ESR का वैल्यू ऐसे ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाएगा। लेकिन डिजीज में क्या क्या चेंजेस दिखाएगा, कौन कौन सा बीमारी में पड़ जाता है, अब बढ़िया समझिएगा बीमारी के बारे में।
एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, नहीं एनीमिया भी हम एक दिन पढ़ाएंगे। एनीमिया जो क्या होता है, पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं एनीमिया का यूट्यूब पर। एनीमिया में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। एनीमिया बहुत तरह का होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, विटामिन टू डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, बहुत तरह एनीमिया होता है। उसमें एक सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी का जो होता है हंसुए के आकार का स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उस तरह की एनीमिया में ESR गिरता है। किसी को एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, किसी को खांसी 10 दिन 20 दिन से है, किसी को गठिया बहुत दिनों से है, किसी को अस्थमा बहुत दिनों से है, तो उस कंडीशन में ESR गिरेगा। एड्स वाले पेशेंट का ESR घटेगा, TB वाले पेशेंट का ESR घट जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, घटेगा नहीं, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, इंक्रीज करेगा। माने हमारा इसमें रिपोर्ट वैल्यू कम आएगा, मतलब कि ESR बड़ा है, क्योंकि हमारा क्या है मात्रक जो है 0 से 20 तक नॉर्मल है, और इसमें 100 आ गया तो ESR बड़ा है, उल्टा चलेगा ना। इसमें 80 आया तो ESR बड़ा है, इसमें 60 आया तो ESR बड़ा है, और 10 आया तो ESR नॉर्मल है। तो HIV डिजीज में बढ़ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ सकता है, अर्थराइटिस में बढ़ सकता है, कोई भी वायरल हेपेटाइटिस है उसमें बढ़ सकता है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में बढ़ सकता है। इस तरह की बीमारियों में ESR बढ़ेगा। घटेगा किस चीज में? पॉलीसाइथीमिया में, न्यू बर्न इन्फेक्शन में, डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो घट जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, पानी जो है हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट सॉलिड है, तो पानी अगर डिहाइड्रेशन से निकल गया तो सॉलिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि ESR गिरवे नहीं करेगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन में डेंगू हेमरेज फीवर हो सकता है, तो इस चीज में डिक्रीज करेगा। तो अभी आपने जाना कि ESR वेस्टर्जन मेथड से कैसे करेंगे, विंड्रॉप्स मेथड से करेंगे, किस किस बीमारी में ESR बढ़ता है, कैसे चेक करेंगे। बाय प्रैक्टिकली आप लोग कल जो है इसको करके ब्लड लेके और करके देखिएगा कि ESR टेस्ट करके देखिएगा एक दूसरे का कि ESR कैसे टेस्ट किया जाता है। अभी ESR चेक करने का लाइव देखेंगे। मानते हैं कि कोई डॉक्टर का जैसे पुर्जा है, डॉक्टर बोला आपको क्या ESR चेक करना है, अच्छा भैया ESR आपको चेक कराना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक डॉक्यूमेंट पहले इसका हम लोग रेडी करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, एक रजिस्टर होता है जिसपे हम लोग नाम क्या है दीपू कुमार, एज कौन, डॉक्टर रेफर किया है, जांच ESR लिख लिए। जैसे इनका नंबर मेरे यहाँ 6 है, तो 6 नंबर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग तैयारी कर लेंगे कि हमको एक टेस्ट ट्यूब में चाहिए ब्लड, तो 6 नंबर हम यहाँ पे लिख लिए, 6 नंबर यहाँ पे डाल लिए, इनका डिटेल्स लिख लिए, पैसा ले लिए। अब बोलेंगे देखिए छोटा सा प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमको थोड़ा सा 2 ml ब्लड निकालना है, आपको टेंशन नहीं करना है, आराम से ऐसे रहिएगा। अब ब्लड हम लोग वेनस कलेक्शन करेंगे, ब्लड के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे ब्लड निकाल लें, इनका बेहोश उस ना होला हो ब्लड निकलने से, देखिए ना बेहोश हो तो फिर हमारा लगे फिर। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ले रहे हैं, डस्टबिन लाओ जी, सेंट्रल टू पेरी पेरी हम लोग वाश कर लिए, और इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पीड जो है यहाँ पे लगा है उसको हम लोग सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे, और हम लोग डिस्पोजल सिरिंज जब भी यूज करेंगे तो पहले इसको लॉक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे ही थोड़ा सा लगा रहता है हम करेंगे तो ब्लड फेंका जाएगा, तो इसको लॉक करेंगे और एक बार हम लोग देख लेंगे पिस्टन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। और नीडिल जो होता है हमको 45 डिग्री एक बार स्मार्टली जो है क्यूबाइटल वेन में जो है हमको प्रिक करना है, और हमको कितना ब्लड लेना है 1/4 होना चाहिए रेशियो, तो अगर हम 1.6 लेंगे तो उधर तक नहीं चाहिए, तो सोचना ना पक्का हिंदू है ना। चलिए हम लोग ब्लड ले लिए इसका, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें ढक्कन में ढक्कन में ढक दीजिए। अभी जो है हमको ब्लड कितना चाहिए 1.6 चाहिए, 1.6 हम लोग इसमें लेंगे, असर ज्यादा है 1.6 चाहिए, और इसमें से हमको 2 तक लेना है ESR फ्लूइड जो हमको लेना है 2 तक लाना है। इसे भी स्मार्टली करना है, ज्यादा 1 point नहीं होना चाहिए, कम 1 point नहीं होना चाहिए। दो तक आ गया, दो तक आने के बाद हम क्या करेंगे इसको ट्यूब में डाल लेंगे, ट्यूब में जब भी डालेंगे ऐसे धीरे से डालना है,
ट्यूब में डालने के बाद इसका हम लोग कैप बंद किए और इसको हम लोग क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ग्लव्स हमको दिया नहीं, ग्लव्स से यूज करना है इसे पे। बकेट में सब डाल दिए। अब हमको क्या करना है, इसमें हमने क्या डाला, 1.6 ml ब्लड डाला और 0.4 ml हमने क्या डाला, 3.8% सोडियम सिट्रेट हमने डाला। अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे पेशेंट का लेबलिंग कर दिया। यहाँ पे पेशेंट का लेबलिंग किया हुआ 6 नंबर हम लोग किए हैं, कोई दो ना पेन, 6 नंबर यहाँ पे हम लिख लिए और 6 नंबर ट्यूब पे हम लगाएंगे इसको जो डायरी में है। अब 1 घंटा में पेशेंट को बोलेंगे ठीक है आपका रिपोर्ट शाम को कलेक्ट कीजिए, जहाँ जितना देर में है। अब इसको हम लोग स्टैंड पे कैसे फिक्स करेंगे इसको समझेंगे। लाया है रबड़ लाया है, भायल के नीचे बोले ना कौन गया था सचिन, पहुँच आप बिना भेजे थे उनको नहीं बोले हम। करो तू। के कर हेलो, अच्छे कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एगो एगो ओंडम खा लीजिए, एगो पेंटोप डी ओंडम ठीक है, इलेक्ट्रोल पाउडर पी लीजिए। हाँ ओंडम जाए भाई, पेंटोप भी खाइए ना, आएगो आएगो एक बार इलेक्ट्रोल पीजिए। हाँ दुकान पर जाके कॉल करता है। हो गया, स्मार्टली कर दिए। अब इसको 1 घंटा बाद रीडिंग ले लीजिएगा, इसको रख दीजिए ले जाके लैब में, धीरे से जाइए धीरे से, और 1 घंटा बाद कितना गिरा है वो बताएंगे दिखाएंगे। अब इसमें एक और है, तो कोई दूसरा आदमी है 1 घंटा बाद, चाहे दूसरा आदमी चाहे तो इसको ट्राई कर सकता है। यह सब हाथ का खेला है, एक्सपीरियंस का चीज है।